हाय गाइस, मैं हूँ संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे गाइस टॉप 10 एडवांस वोकैबुलरी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वोकैब है गाइस टेंड टू, और इसका मतलब होता है प्रवृत्ति या स्वभाव। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादातर लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पीपल टेंड टू प्ले फास्ट एंड लूज। एक और एग्जाम्पल देखिए, उसका प्रवृत्ति झूठ बोलने की है। ही टेंड्स टू टेल अ लाई। ही टेंड्स टू टेल अ लाई। पिक अ क्वेरल, इसका मतलब होता है झगड़ा मोल लेना। एग्जाम्पल देखिए, हमें किसी से झगड़ा नहीं मोलना चाहिए। वी शुड नॉट पिक अ क्वेरल विद एनी वन। उससे झगड़ा मत मोलो। डोंट पिक अ क्वेरल विद हिम। डोंट पिक अ क्वेरल विद हिम। सो कॉल्ड, इसका मतलब होता है सिर्फ कहने का। एग्जाम्पल देखिए, वो सिर्फ कहने का दोस्त है। He is a so-called friend. He is a so-called friend. तुम सिर्फ कहने के आलसी हो। You are a so-called lazy. You are a so-called lazy. Peculiar, और इसका मतलब होता है अजीबो गरीब। Example के थ्रू समझते हैं। मैंने अभी एक अजीबो गरीब आदमी को देखा। I saw a peculiar person now. एक और एग्जाम्पल देखिए, अजीबो गरीब आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है। What do you mean by peculiar person? हमारा अगला वो कैब है गाइस bring back, और इसका मतलब होता है वापस लाना। एग्जाम्पल देखिए, जाओ और वो किताब वापस लेकर आओ। Go and bring back that book. एक और एग्जाम्पल देखिए, अभी जाओ और वापस लेकर आओ। Go and bring back right away. Single farthing, और इसका मतलब होता है फूटी कौड़ी। एग्जाम्पल देखिए, अभी मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। I don't have सिंगल फार्थिंग राइट नाउ। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। ही डजंट हैव सिंगल फार्थिंग। स्पेकुलेट, और इसका मतलब होता है तुक्का लगाना या तुक्का मारना। तुक्का मत मारो, जानते हो तो बोलो। डोंट स्पेकुलेट, इफ यू नो देन टेल मी। मैं नहीं जानता, मैं तुक्का मार सकता हूँ। आई डोंट नो, आई कैन ओनली स्पेकुलेट। इम्प्लीमेंट, और इसका मतलब होता है लागू करना। एग्जाम्पल देखिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, इसे ज़िंदगी में लागू करना होगा। ओनली स्पीकिंग विल चेंज नथिंग, यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ। GST भारत में लागू किया गया। GST was implemented in India. Acid test, और इसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा। एग्जाम्पल देखिए, लॉकडाउन हम सभी के लिए अग्नि परीक्षा है। लॉकडाउन इज एन एसिड टेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। आप बोल सकते हैं दिस इज द एसिड टेस्ट फॉर यू। दिस इज द एसिड टेस्ट फॉर यू। एज ऑफ नाउ, और इसका मतलब होता है फिलहाल। फिलहाल हम सभी को 3 मई तक घर में रहना है। एज ऑफ नाउ वी ऑल हैव टू लिव एट होम टिल 3 मई। फिलहाल मैं उससे बात नहीं करूंगा। आप बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट
टॉक टू हिम या टॉक टू हर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।